अरमान मॉर्निंग नंबर्स भी बताइए आज आप कौन से आने वाले हैं कल कौन से आए हैं ट्रिगर्स एंड खबरों के दम पर एक्शन जी गुड मॉर्निंग आज भी नतीजे हैं जैसा कि आपने कहा एफ में अगर आप देखें तो बंधन बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे कैश में सी प्रोडक्ट्स कोरोमंडल इंजन इंजीनियरिंग टाटा स्टील यूनिकेम लेबोटरीज वी एस टी और कैसो नाम वो जी एस डब्ल्यू और जी एस डी एल जैसे स्टॉक है जहाँ हमें आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे डब्ल्यू पी आई का जून का डेटा भी आएगा हैप्पीएस माइंडस पर ध्यान रखिए क्योंकि बोर्ड बैठक में क्यू के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा वीरान लर्निंग सॉल्यूशंस यहां पर बोर्ड बैठक में इक्विटी जारी करने अलॉट करने के प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा आई के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे सेंको गोल्ड जिनकी आई की लिस्टिंग होनी है और कई सारे स्टॉक्स में आपको एक्सडिट्स होती हुई दिखेंगी जिसमें डिविडेंड्स की कई सारे हैं जिसमें बॉश में अगर आप बात करें दो सौ अस्सी का डिविडेंड है लुपिन की बात करें चार रुपये का डिविडेंड है बिरला सॉफ्ट दो रुपये का और कई सारे स्टॉक हैं वहाँ पर चंद्रयान थ्री जो भी लॉन्च होने वाला है लगभग टू थर्टी फाइव पीएम के आसपास जो है वहां पर आपको श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता हुआ दिखेगा नतीजों में विप्रो पर आपको ध्यान रखना है नतीजे जो हैं जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आए हैं नतीजे आए लगभग गिर कर आइए वन परसेंट के आसपास गिरावट आती हुई दिखिए आप डॉलर रेवेन्यू की बात करें डॉलर आय की बात करें वहाँ पर भी लगभग डॉलर वन पॉइंट सिक्स परसेंट के पॉइंट वन सिक्स वन पॉइंट सिक्स परसेंट के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी आप मार्जिनस की बात करें तो मार्जन्स यहाँ पर जो है कौनजोर मार्जन्स जो है फिफ्टीन से गिर लगभग फिफ्टीन के आसपास आते हुए दिखे हैं हालाँकि जो हमारा अनुमान था वो वो सोलह का था तो उस हिसाब से जो मार्जिन्स है वो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं कैच में कई सारे स्टॉक्स के नतीजे हैं जिसमें अगर आप बात करें टाटा मेटालिक्स जिसमें ऑपरेशनली आपको नतीजे जो हैं वो बढ़िया दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 46 परसेंट के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है वहीं आय की बात करें आय तो हालांकि घिर कर आई है पर ऑपरेशनली इसीलिए बेटर है क्योंकि आपको काम काजी मुनाफे में बड़ा दिख रही है मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है थ्री से बढ़कर मार्जिन जो है फाइव पर आते हुए दिखे और मुनाफा भी अगर देखें तो वन करोड़ से बढ़कर लगभग फोर करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है एंजल वन यहां पर अगर आप देखें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं आय लगभग 18.4 परसेंट के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है मार्जिन में आपको यहां पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है 39.06 परसेंट से बढ़कर 39.7 परसेंट के आसपास आते हुए दिखे हैं और कंपनी ने 9.25 पॉइंट पहले जो है डिविडेंड का ऐलान भी किया है आई अपडेट्स के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका डे टू का अपडेट है आज अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे है यहाँ पर बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाया है ओवरऑल सोलह गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाया है जिसमें रिटेल का हिस्सा थर्टी सिक्स लगभग थर्टी सेवन टाइम्स के आसपास है एन का हिस्सा लगभग देखेंगे ट्वेंटी टाइम्स है और क्यू आई भी अगर आप देखेंगे लगभग चार गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं खबरों के हिसाब से पतंजलि फूड्स जहाँ पे नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है उसका ओ का अपडेट है तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग दो गुना के आसपास आता हुआ दिखाया है क्लियरिंग प्राइस जो निकल के आया है वो वन वन जीरो थ्री पॉइंट एट के आसपास का जो है निकलते आया है और ये भी अपडेट है इस पर कि ओ एफ एस में प्रमोटर ग्रीन शो ऑप्शन का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एडिशनल शेयर दो परसेंट वो और अधिक अगर सब्सक्रिप्शन होता है तो बेचने का ऑप्शन था वो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे जेबीएम ऑटो यहाँ पर अगर आप बात करें अलग अलग राज्यों और काम कंपनियों से मिलकर लगभग अगर आप देखें पाँच सौ ई बसों की सप्लाई का जो है ऑर्डर मिला है कंपनियों सब्सिडरी कंपनीज़ को जो ये मिलता ऑर्डर मिलता हुआ दिखाए कंपनी के ने वॉल्ट्री डीटिंग का जो डिटेल्ड ऑफर जारी किया है जिसमें डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस जो रखा है वो 105, के आसपास का रखा है जो कि अगर आप बात करें जो पहले अगर आप था वहां पे जो पहले ये वाला था वन जीरो फाइव वन पॉइंट थ्री अब वहां से ये जो डीलिस्टिंग ऑफर है यह बढ़ा दिया है अभी जो अब ऑफर बढ़ा के जो उन्होंने कर दिया है वो है वन टू जीरो के आसपास का अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो तेरह सौ सात के आसपास का है और बल्ड डील्स की अगर आप बात करें तो सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटी लगभग उन्होंने 6.5 पॉइंट फाइव शेयर्स जो हैं वो बेचते हुए दिखे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखे हैं और सी बैंक यहाँ पर अगर आप बात करें एफ ने यहाँ पर जो कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन उन्होंने लगभग 35.9 फाइव शेयर्स बेचे हैं 295 के आसपास के हिसाब से और उनकी जो है इंटर स्टेक्सेल का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 106 करोड़ की